नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे, लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिल रहा है। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हनें फरार हो गई। घर से लाखों रुपए के जेवरात लेकर दुल्हनें भागी हैं। पीड़ित पक्ष थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा। बता दें कि शादी बिचौलिए के माध्यम से हुई थी, वहीं दुल्हन व परिजनों के मोबाइल नंबर बंद बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस बिचौलिए को पकड़कर पूछताछ कर रही है। घटना थाना क्वारसी के सुरेंद्र नगर इलाके की बताई जा रही है। कमलेश और बबलू, ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी। और कहना वह है मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है। और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की, और कहना वह रात को रही है। और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना, मैंने मना करा, पर वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी। फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10-10:30 बजे करीब, और रास्ते में से फिर भाग गई। ये क्या नाम है, अचल ताल में कुछ खरीदारी की या वहीं से भाग गई? वहाँ से भाग गया, सामान तो लेने गई थी, पैसे उसी पे थे। और सामान पहनना का था, जेवर पहन रहा। हाँ, कितने का जेवर होगा? अब जब हो 3-4 लाख रुपये में कुछ वैसा कैश? हाँ, कैश था, और मम्मी ने दिया उसको। कमलेश और आपकी एक पुष्पा एक बबलू, ये तीनों वो थे क्या कहते हैं बिचौलिया। इन्होंने लड़की दिखवाई, लड़की दिखवाने के लिए हमें ले गए खुर्जा के पास, वो है चामुंडी मंदिर, वहाँ पर लड़की दिखाई। फिर हैंड टू उन्होंने कहा कि यहाँ शादी कर लीजिए, शादी करवा दी। दो दिन लड़की घर, हैंड टू हैंड? हाँ, हैंड टू हैंड, तुरंत मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगा, हो गया सब काम। लड़की घर आ गई 8:30 बजे रात को, हम घर आए। उसके बाद क्या कहते हैं, दो दिन रही लड़की। दो दिन बाद फिर 30 दिन वो जिद करने लगी कि मुझे अपने एक हमारे यहाँ रिवाज है, एक दिन के घर जाना है। और मैंने मना किया, और मेरे पिताजी ने मना किया, पापा ने, दोनों ने मना करे, नहीं मानी। उसके भैया भाभी का फ़ोन आया, जो हमें भैया भाई बताए गए थे, तो उन्होंने भी ये कही कि भाई हमारे रिवाज है। तो हमारे पापा ने कही कि भाई हमारे यहाँ 1.5 महीने से नहीं भेजते, नहीं माने वो। रात को आए, दिन का प्रोग्राम था, रात को आए करीब करीब 10:30 बजे घर पर बुलाने, और 1 घंटा नाश्ता वास्ता करके लड़की को ले गए। फिर अगले दिन वो पहले तो यूँ कह रहे थे कि आप चलो संग, पापा ने मना कर दी कि भाई हम लड़की को रात में नहीं भेजेंगे। फिर सुबह मैं 8 बजे नहा धो के तैयार हुआ उसको बुलाने के लिए, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने लड़की थी नेहा नाम है उसका, उसने मुझसे कही कि भैया हमारे जो भैया हैं वो अलीगढ़ आ रहे हैं किसी काम से, आप एक काम करना उनके संग बैठ के हमारे संग आ जाओ, उनके संग आ जाना और मेरे को बुला के ले आना प्रोग्राम से पहले। उससे अगले दिन लेडीज संगीत था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, वो बोले सारसोल जाम में फंसा पड़ा हूँ। फिर उसके बाद फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन बंद हो गया उनका, स्विच ऑफ। उसके बाद उन्होंने कभी उनका फ़ोन नहीं उठा। मैंने नेहा को फ़ोन किया, उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद आ गए। से ज्वेलरी थी काफ़ी, 4 चूड़ियाँ थी और चैन थी, मंगलसूत्र सोने का, बिछुआ तोड़िया, और आपका क्या कहते हैं लौंग वगैरह ये था, हैं, एक गले का सेट था। 17 मई की रात को थाना क्वारसी के सुरेंद्र नगर इलाके में दो नवविवाहित दुल्हनों द्वारा अपने ही घर से सामान चोरी कर भाग जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर अनुसार 18 तारीख को ही अभियोग पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई। दो अभियुक्तों को तुरंत ही स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ को वैसे तो स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, और स्मार्ट सिटी के नाम पर अब तक शहर में 100 से अधिक करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या बनी हुई है और इलाकों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। पेयजल समस्या को लेकर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया है और जल्दी समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने नगर निगम के अधिकारियों को बुरा भला कहते हुए खुद की चूड़ियां उतारकर अधिकारियों को पहनाने की बात कही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जल्दी समस्या का समाधान ना होने पर नगर निगम के अधिकारियों के दफ्तर में तोड़फोड़ व दफ्तर में घुसकर पीटने की बात कही है। भैया मेरा नाम है संतोष चौहान, कहाँ से आई हो? जीवनगढ़ मलाके नगर से आए, वाल्मीकि समाज से। एक हफ्ता हो गया पानी नहीं आ रहा, बच्चे बीमार है, बकरे जानवर सारे बीमार है, सारे कहाँ से लेके आए पानी? अब आए नगर निगम, आए पानी के लिए, इनके रोने के लिए आए भाई, पानी नहीं दे रहे, झूठ बोलना भाई, बच्चे दे पानी नहीं दे रहे, कोई पानी दे रहे, बताइए कहाँ पिए और पानी पिए? भैया झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसी भी कसम ले लो हिंदी हो और भी
हो गए भाई, 8 दिन से भूत पानी नहीं आ रहा। हाँ नहीं भाई, मन 3 दिन से भागने पानी नहीं आता है तो अगली बार क्या करोगे? भोरेंगे भोरेंगे मारेंगे पीटेंगे मरेंगे। ये जनता कहाँ से आ गई? अरे जनता जहाँ से बताइए ना, जनता यहाँ कहाँ से आ गई? जनता किस क्षेत्र के स्पेसिफिक बताइए ना, किस स्पेसिफिक जहाँ व्यवस्था कराएंगे वहाँ आप ना बोलो। इतने से आपको इतना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ पानी नहीं जा रहा, शहर में बिल्कुल पानी जा रहा है और अच्छी व्यवस्था पानी की है। मोहल्लों के बताओ ना, कौन से मंदिर है बताए ना, मोहल्लों बताओ ना, कहीं बताओ आप, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सलाह रहमान में कौन सी गली है? सलाह रहमान कौन सी गली बताओ ना, चूड़िया भी लेगा। देखिए मैं सुबह से निकला हूँ, अभी मैं बताऊँ, मैं लक्ष्मण सिंह हूँ। अच्छा ये बताइए, पानी की समस्या को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन कर रही है, क्या वजह है? इन्होंने 4-5 जगह का उल्लेख किया है, उन जगह पे कुछ ऐसा है कि जो लास्ट सिरे हैं वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा, ये शिकायत आई है। लेकिन जब वोल्टेज आ रहे हैं, कहीं पे वोल्टेज कम है, कहीं पे लाइट की बहुत स्ट्रिक हो रही है, लेकिन लाइट हो गया, हम बिजली वाले संपर्क कर करके जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जाकर उसको निशान करा रहे हैं। अभी मैं सुबह से निकला हूँ, अभी अपने घर भी पहुँचा हूँ और मैं समस्याएं देखने के लिए गया हूँ। अभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह हमने ट्यूबवेल लगाना था, पब्लिक का काफी हंगामा था, विरोध कर रहे हैं, हम बार बार सहयोग मांग रहे हैं पब्लिक से, हम ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, हमें सहयोग करिए, तो हम सहयोग मांगते हैं पब्लिक से। अभी हंगामा था, नहीं लगने दिया, तो हमने सहयोग करेगी पब्लिक तो हम समाधान करेंगे। पीने का पानी नहीं है, लेकिन वही नगर निगम गर्मी से बचाव के लिए जहाँ कहीं की समस्या हमें मिलती है, हम नजर का पैन करते हैं और जो भी साधन होता है हम उसका साधन का पूरा उपयोग करते हैं और पानी की सप्लाई कराते हैं, कहीं टैंकरों से सप्लाई कराते हैं, नगर निगम के 30 टैंकर से हम सप्लाई कराते हैं, पूरे शहर में 60 वार्ड नंबर वार्ड है और 30 टैंकर, एक टैंकर 4-4, 5-5 राउंड कर रहा है, एक टैंकर से हम कई राउंड ले रहे हैं पानी, जहाँ जहाँ भी समस्या हुए नहीं खड़े होंगे, किसी ने सप्लाई दी है वहाँ सभी की दौड़ा कर देता है, तो हम निस्तारण करा रहे हैं। ये तो एक मिनट, ये याचना नहीं अब रहा होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये नाकारा नगर निगम, जिसके नाकारा अधिकारी अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये 2 बूंद जल को तरसा रहा है अलीगढ़ के महानगर के लोगों को, आधे से ज्यादा एरिया में पानी नहीं आ रहा है और ये यहाँ एसी के कमरों में बैठकर ये ठंडा ठंडा पानी पी करके ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप देखे जीएम जलकल का दावा है, अभी कहा उन्होंने मीडिया से कि सभी पूरे नगर निगम जलकल महाप्रबंधक को मेरे साथ चलो, जो लोगों के 15 से 30 दिनों से सरारा मान के खुलने वाली गली में पानी, मल्ला के नगर में पानी नहीं, पानी सारा ये नगर निगम का घेराव यहाँ की जनता कर रही है, पानी नहीं तो कुछ नहीं, जल ही जीवन है और जीवन के अस्तित्व की लड़ाई इस नाकारा नगर निगम जो काजी साथ की बना हुआ है। अरे ये आपको याद होगा, आप ही लोगों के इस्तेमाल करके पीने के पानी के नाम पे आर ओ मशीनें दिखाई गई, वो सदर राती कहा गया, ये करोड़ों अरबों रुपए जो जकारने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, स्मार्ट लूट है और स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट लूट की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर अलीगढ़ टीम का शपथ ग्रहण समारोह मिल्क बार स्टूडियो मैरिस रोड अलीगढ़ में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी डिप्टी प्रॉक्टर एएमयू अलीगढ़ ने फाउंडेशन के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जमीर अहमद पढ़ाई के लिए जागरूक किया, एडवोकेट मखतूर खान व एडवोकेट शहनवाज ने महानगर अध्यक्ष राशिद अली, उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद, सचिव मोहम्मद उमैर, मोहम्मद शारिक सहित सभी पदाधिकारी एवं कैबिनेट सदस्यों को फाउंडेशन के नियमानुसार शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य रूप से अलाउद्दीन साफी, शादाब खान, चंदन सिंह, डॉक्टर मोहम्मद शवे और अन्य सदस्य मौजूद रहे। आरिफ अली खान साहब और यहाँ बैठे हुए अजीज भाई और
फैसला हो गया। जज्बा फाउंडेशन, जज्बा जो है एक जज्बा, वही सब कुछ होता है। जब दिल में जज्बा रहेगा तो हर चीज की बुनियाद अच्छी रहेगी। तो बुनियाद से पहले जज्बा, जज्बा फाउंडेशन का नाम है। बहुत ही मतलब एक दूसरे से बहुत मिला जुला है। इधर हमारे जज्बे, हमारे इरादे मजबूत होंगे तो हमारी फाउंडेशन, हमारी बुनियादें वो भी मजबूत रहेगी। चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, एजुकेशन में हो, मेडिकल लाइन में हो और सोशल सर्विस में हो, किसी भी लीगल इश्यूज पर रहे। इस फाउंडेशन का जैसे भाई ने बताया कि उन्होंने कोरोना में बहुत काम किया डॉक्टर साहब ने, और इसका एम जो है वो एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ फाउंडेशन के लिए जितना भी काम कर सकते हैं हम उसको कहीं दिल से उसको सराहेंगे। और आगे आप हमसे कोई अगर बड़ा काम करना है अपने लेवल से, आपके ग्राउंड लेवल पर जो आप काम करते हैं ऐसे के बाद लोगों को शहर के आम की तरफ ले जाना, आपके लोगों की मदद करना, वो आप अपने लेवल से कीजिए। और अगर कोई बड़े लेवल पर प्रोग्राम करना है तो वो आप उसके लिए हमसे मशवरा करेंगे। और दूसरी आपको हिदायत है मेरी तरफ से सभी को, कोई भी फाउंडेशन का अधिकारी या मेंबर पॉलिटिकल ना बने, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अपने आप को पॉलिटिकल स्पीच में शामिल ना करें, ठीक है। फाउंडेशन हमारा पॉलिटिकल नहीं है। सब लोग सोशल एक्टिविटीज में आप जो अपना काम कर रहे हैं वो काम करते रहे, लोगों की खिदमत करें, लोगों की पढ़ाई के लिए हम जैसे कि हमने आप नए प्रेसिडेंट साहब से मशवरा भी किया था कि भी हमें वहाँ कहीं आसपास में जगह मिल जाए तो हम 15 साल से लेकर और 60 साल के लोगों को जो लोग काम पर जाते हैं उन लोगों को कम से कम शाम को एक या डेढ़ घंटे हम पढ़ाएं और उनको इस लाइक बना दें कि वो कम से कम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खतों किताबत या ट्रेन का बिल पूछना या मोबाइल का चलाना ये सारी चीजें वो सीख लें। बैंक की पासबुक कैसे भरनी है, अक्सर मैंने देखा है कि एटीएम पर जाते हैं बाबूजी एटीएम से पैसे निकाल दीजिएगा, या बैंक में जाते हैं सब हमारा फॉर्म भर दीजिएगा, अब उसने क्या भरा है एटीएम में क्या निकाला सब पता नहीं है, बस सब गड़बड़ हो जाता है और फिर बाद में रोता है कि सब हमारा पैसे ज्यादा कट गया। तो हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को इस लाइक बना दें कि वो ये गलतियां ना करें। आप लोग मेहनत से काम करें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।